वेल, ये वीडियो में एकदम शॉर्ट और टू दी पॉइंट बनाऊंगा। मान लो कि आपको किसी कंपनी से 15 LPA का ऑफर आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता कि इसकी इन हैंड सैलरी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे टैक्स डिडक्शन के बाद, सारे के सारे PF डिडक्शन या फिर जो भी और डिडक्शन हो सकती है, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास इन हैंड सैलरी कितनी आती है उसके बारे में बताऊंगा। वेल, आप सब लोगों को पता है कि सबका सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज यहाँ पे डालकर देखेंगे तो आपके पास पूरा एक्यूरेट अमाउंट आ जाए। अभी के लिए मैंने एक डमी स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है, तो ये डमी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शायद 1-2 हज़ार का फर्क आ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज इस कैलकुलेटर में डालकर देखेंगे तो आपकी प्रॉपर इन हैंड सैलरी के बारे में पता चल जाएगा कि पर मंथ के हिसाब से आपको कितनी सैलरी आएगी। नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप ये CTC ब्रेकडाउन देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यूज अपनी डालनी है। ग्रीन वाले पे वो वैल्यूज डालनी है जो आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेंगी ही मिलेंगी। ये सारे जितने भी अलाउंस होते हैं, स्पेशल अलाउंस, टेलीफोन, इंटरनेट अलाउंस, सिटी अलाउंस, बोनस, ये सारे के सारे आपको डेफिनेटली मिलते हैं। उसके अलावा जो बेसिक सैलरी, HRA, LTA, ये जो होते हैं, ये भी आपको डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। ये आपकी फिक्स सैलरी में आ जाता है, तो जितनी भी फिक्स सैलरी होती है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। अभी मैंने वेरिएबल पे उससे 10% लगाया, कई कंपनीज में वेरिएबल पे वाला सीन ही नहीं होता, तो आपकी सारे के सारे जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी फिक्स होती हैं। अगर तो आपका वेरिएबल पे नहीं है तो आप यहाँ पे सीधा सीधा जीरो कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी सारी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के केस के लिए हम वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वेरिएबल पे होती है। देन उसके बाद जो मैंने नीचे तीन कंपोनेंट मेंशन किए हैं, PF, ग्रेच्युटी और मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, ये कंपोनेंट आपको कभी भी पर मंथ के हिसाब से नहीं मिलते, तो इनको आप डिडक्ट ही करके रखिए। यहाँ पे आप अपने वो कंपोनेंट डाल दीजिए, उसके बाद आपका जो टोटल CTC बनता है वो 15 LPA के अराउंड आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा स्टेप होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है, जो आपकी टोटल ग्रोस सैलरी आई होती है ऊपर, इंक्लूडिंग वेरिएबल, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपको अपनी टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ती है। तो टैक्सेबल इनकम में क्या होता है, टोटल ग्रोस सैलरी माइनस जो आपने टोटल डिडक्शन दिखा दी होती है, जैसे कि आप HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन अंडर ATC, ATD और ATCCD के अंदर जितना भी आप डिडक्ट करवा सकते हैं, आप उन सबको यहाँ पे फिल कर लीजिए। देन उसके बाद आपकी एक टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद आपको स्लैब्स के बारे में पता होना चाहिए कि टैक्स स्लैब्स कितनी है। 2.5 लाख के नीचे अगर होगी तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स, देन 5 LPA से 10 LPA के बीच में 20% टैक्स, और इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो अगर मैं आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम निकालूं, देन इट इज अराउंड 8,61,000 रुपीज। तो अभी आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करके देखें, देन आपको 2.5 लाख तक तो कुछ भी नहीं लगना था। देन उसके बाद आपका जो 2.5 लाख से 5 लाख का कंपोनेंट था, उसमें आपका 5% का टैक्स लग जाएगा। देन उसके बाद जो उसके ऊपर जो कंपोनेंट रह जाता है, उसके ऊपर आपका 20% का टैक्स आ जाएगा। अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की डिफिकल्टी आ रही है, देन मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि इस एक एक कंपोनेंट को आप किस तरह से देख सकते हो, किस तरह से आप निकाल सकते हो, मैंने प्रॉपर डिस्क्राइब करके वो वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इनहैंड सैलरी की। तो जो आपके पास फिक्स कंपोनेंट आपके CTC में आया होता है, देन उसमें से इनकम टैक्स को डिडक्ट करना, देन उसमें से PF को डिडक्ट करना। एक आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है PF की तरफ, तो दूसरा आपका कंट्रीब्यूशन होता है। जो एम्प्लॉयर का होता है उसको वो CTC में मेंशन कर देते हैं, आपके वाले को वो मेंशन नहीं करते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका PF भी उसी से ही डिडक्ट होगा। तो इसमें आपके इनकम टैक्स और PF को दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आपकी फिक्स सैलरी थी उसमें डिडक्ट करें, देन उसके हिसाब से आपकी मंथली सैलरी निकल कर आ जाएगी। इसके अलावा कई केसेस में क्या होता है कि आपको वेरिएबल पे भी पर मंथली बेसिस मिल जाता है, तो उसको अगर आपको पर मंथली बेसिस पे मिल रहा हो, आप अपने HR से कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो वेरिएबल पे है ये मुझे पर मंथली बेसिस पे मिलेगा या नहीं। तो अगर वो कहेंगे कि मिलेगा, तो आप नीचे वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, यानी कि अपना वेरिएबल पे उसी इनहैंड सैलरी में ऐड कर दें, देन उसके बाद दोनों का अगर आप सम करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपकी मंथली सैलरी बन जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।